बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी पैनी स्टॉक के हवाले से, इससे पहले ही मैंने किए हैं एज पर रिक्वेस्टेड। अच्छा, ये जो स्टॉक है ये मेरी वॉच लिस्ट पे नहीं होते हैं, इनकी स्पेशली रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई है। फेसबुक में स्पेशली बहुत इसकी रिक्वेस्ट आई है कि आप ये काइंडली फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, FCSC, FDIBL, ICIBL, पेस पाकिस्तान। तो लास्ट ईयर में इसमें हमने काफी रैली बनती देखी थी इन स्टॉक्स में, तो मेरे ख्याल से लोग इसमें अपर साइड पे स्टक हो गए हैं। तो देखना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या करें, इसमें निकल जाएं क्या करें। तो अब वैसे बात है, ये मेरी वॉच लिस्ट में है नहीं, तो बहरहाल देखें, मैं एनालाइज करता हूँ और होपफुली इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाएगी टू टेक अ वाइज डिसीजन। अच्छा, अभी चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज की तरफ, FCSC जिसका सिंबल है। अच्छा, FCSC जो है आपको पता है इसके ये मतलब समझे, इसकी सब्सिडियरी में एक ये आपका पेस पाकिस्तान भी आता है, FCEPL फर्स्ट इक्विटी कैपिटल जो एक ब्रोकरेज हाउस है वो भी आता है, मीडिया टाइम्स है, ये सलमान तासीरी कंपनी मरूम, अब उनके बच्चे वगैरह चला रहे हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा तो ब्रीफली इसका डिस्क्रिप्शन जो मेरी नॉलेज से मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये कुछ इसके कैश के इश्यूज होते हैं। अब ये जैसे मैं आप बता रहे थे, यहाँ पे अर्निंग, ईयरली अर्निंग जो है पॉइंट माइनस आई है, लॉस आया है 0.771 पैसा, फिर इससे पहले 46, और बीच में इसके लिस्टिंग के हवाले, लिस्टिंग की फीस नहीं दी थी, और आई थिंक कुछ और भी क्लॉज थे शायद ऑडिट के थे कुछ, तो बहरहाल तो उसके वजह से ये सस्पेंड भी हुआ था, डिफॉल्टर में भी था, फिर सस्पेंड भी हो गया था, सस्पेंड के नोटिस आया था सॉरी, और डिफॉल्टर में चला गया था ये, तो इसने फिर ये अपने लिस्टिंग की फीस वगैरह दे दी, तो ये इससे डिफॉल्टर से बाहर आ गया है। तो इसी के साथ जो कंपनीज हैं वो भी साथ चलती हैं, पेस पाकिस्तान, उसका भी मैं आगे चल के आपके साथ एनालिसिस शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज का देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, पैनी स्टॉक है तो इसमें इतनी फ्लक्चुएशन होती नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, कुछ पैसों में ही होती है। तो अभी आप देखें तो इसमें ये मंथली पे ये यहाँ पे अभी इस वक्त ये, अगर हम प्राइस सेक्शन को सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे एक मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला एरिया जो है इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको ये थिन कर दूँ। ये वाला एरिया जो है सपोर्ट एरिया बनता बना जा रहा है 0.82 तक मंथली पे, और ये काफी देखे महीने से यहाँ पे ये एक्यूमुलेट भी कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही है, यहाँ से लेके इसको मैं हाईली हायर साइड पे इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना, इसकी मैं बुलिश कैंडल का नेक लाइन ले रहा हूँ। तो नेक लाइन इस वक्त ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, यह एक समझ ले एक नैरो बैंड है अपार्ट फ्रॉम सीपीआर। सीपीआर भी श्रिंक हो रहा है मंथली पे। सीपीआर का सबसे पहले लेवल मैं आपको बता देता हूँ, सीपीआर का इस पर जो लेवल है वो लोअर लेवल जो है 1 रुपए 1 पैसा है, फिर इसके बाद मिडिल बैंड जो है 1 रुपए 11 पैसा है, और अपर बैंड जो है 1 रुपए 21 पैसा है। अच्छा, ये जो मैं सीपीआर आपके साथ शेयर करता हूँ ना, उसका मकसद ये है कि अगर ये सीपीआर के अंदर परफॉर्म कर रहा है और सीपीआर श्रिंक भी हो रहा है, मतलब बहुत कम मार्जिन से, जैसे से 1 रुपए 11 पैसे से 1 रुपए 21 पैसे, 10 रुपए के अंदर अंदर ये कर रहा है और इसको फिर ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। ब्रेक करने के बाद देखें, ब्रेक करना फिर उसके बाद इसको सस्टेन करना, उसकी कंफर्मेशन मिलना। देखिए यहाँ पे भी ऊपर गया था ये और यहाँ पर भी ऊपर गया था ये, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्शन विटनेस की और क्लोजिंग जो है इसकी नीचे आई, ठीक है ना। एक हम मतलब इसकी सिंक्रोनाइजेशन देखें, जो ये कैंडल है डोजी एक्चुअली, और ये कैंडल है इसका जो नेक लाइन रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1 रुपए 20 पैसे 21 पैसे बनता है, तो यहाँ पर हम रिजेक्शन विटनेस कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 1 रुपए 20 पैसे या फिर 1 रुपए 30 पैसे ये सस्टेन करता है तो फिर इसमें एंट्री लेनी चाहिए, मल्टीपल एंट्रीज लेनी चाहिए, लेके बेचना भी चाहिए, क्योंकि अभी पैनी स्टॉक है तो इतना भी ज्यादा मूवमेंट अभी दिखा नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट आए। अच्छा, वॉल्यूम देखें इसमें तो इस अभी तो ये महीना चल रहा है तो अभी तक जो है तकरीबन 4.2 मिलियन, अभी हो सकता है मजीद और इजाफा हो जाए, इससे पहले लास्ट वीक लास्ट मंथ में 3.3 मिलियन, और इससे पहले जो है
1.85 मिलियन इस तरह रिस्पेक्टिवली देखें तो ये सबसे ज्यादा इधर ही जब ये न्यूज आई थी ये यहाँ पे कहीं आई थी इसकी डिफॉल्टर की, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो यहाँ बना था ठीक है, जो डिफॉल्टर से मेगा आई थिंक डिफॉल्ट से बाहर निकलने की खबर थी शायद ये, तो इसने हाई भी किया था अपर साइड पे 1.35 रुपए का। और हाँ जब ये हाई कर रहा था तभी मैंने बोला था कि टेक्निकली देखे फंडामेंटली तो ये वैसे भी स्ट्रांग नहीं है, इसकी न्यूज डिफॉल्टर से निकलने आई तो उसमें बड़ा तेजी इसने दिखाई। अच्छा इसका लो था इस वक्त 65 पैसे का जब ये ऑब्वियसली डिफॉल्टर में था और इसकी आ रही थी शायद उसको सस्पेंड भी कर दे, न्यूज आ रही थी सर्कुलेट कर रही थी मार्केट में, तो 65 पैसे का लो भी गया था और 1.35 रुपए का हाई भी गया है। तो लेकिन इसने इसको सस्टेन किया ये वाला लेवल जो है ना 1.80 रुपए 1.82 रुपए इसको थोड़ा और नीचे कर लें तो ये वाला एरिया ये ले लेते हैं 1.81 रुपए 80 पैसे इस लेवल को इसने सस्टेन भी किया। तभी हम देखें तो ये छोटे से उसमें ये कितने महीने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने से तकरीबन साल भर होने वाले 10 महीने से यहाँ एक्यूमुलेशन चल रही है इसमें यहाँ पे। अच्छा ये 10 महीने कुछ भी नहीं है, कभी कभी तो जैसे मैंने इससे पहले हम नेटवर्क किया था तो 3-3 साल भी एक्यूमुलेशन चलती है छोटे स्टॉक्स में, मैंने WTL का भी शेयर किया था तो ये एक्यूमुलेशन चलती रहती है इसमें, तो इसमें ज्यादा चांस नहीं है। इसका इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, इसमें डे ट्रेड तो हो नहीं सकती है, मंथली बेस पे मैंने आपको अभी फिलहाल जो बताया है बैंड एक बताया है, एक नैरो बैंड है 1.31 रुपए से लेके 81 पैसे तक, इसके बीच में जो है आप जो है लोअर साइड पे जितना भी लोअर आता है देखें मार्केट नीचे माइनस है तो लोअर साइड पे ले और हाई साइड पे आप बेच दें, तो इसमें देखें आपको 30-40 पैसे इतना गेन मिल जाता है महीने के अंदर, इसमें अभी तक फिलहाल को इतना बड़ा चांस नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग भी करनी है तो कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ शॉर्ट टर्म जिसे हम कहते हैं 1 महीने की इन्वेस्टमेंट 2 महीने की इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको 30-40 पैसे मिल जाए, अगर आप क्वांटिटी ले लें फॉर सपोज 1 लाख ले लिए 50,000 ले लिए 2 लाख ले लिए तो इसमें आपको थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पे कुछ गेन मिल सकता है बिटवीन 30-50 पैसा ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा अब दूसरा हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन भी हम देख लेते हैं ठीक है। ये यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन लें इसको तो देखें एग्जैक्टली ये देखें ये यहाँ से होता है इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्टिवली जो है ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे न्यूज भी अच्छी है लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो बेहतर यही है कि 1.31 रुपए तो इसका मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है अच्छी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है तो फिर आप इसमें विथ हैवी वॉल्यूम हमेशा याद रखें वॉल्यूम का इसमें अमल दखल बहुत होता है, इसके बाद ये अपवर्ड मूवमेंट आपको दिखाना शुरू कर देगा ये ठीक है ना। इस तरह की कैंडल कोई भी प्राइस पे होती है, मैंने 1.67 रुपए लिया है, फिर इसके बाद आप डाउन साइड पे बाय करें अप साइड पे सेल करें इसमें फिर आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। और ये इसको हम जो है ना इसकी मदद से भी देख सकते हैं सॉरी फिबोनाची की मदद से भी देख लें, इसका भी जो अभी रिसेंटली जो हाई किया था जून के महीने में जून 2021 इसका हाई था तकरीबन 3.40 रुपए 3.45 रुपए और लो जो अभी इसने किया था ये 65 पैसे का ये जो लो है 65 पैसे 66 पैसे ये इसका लो था। तो अभी हम फिलहाल इसको लेंगे और यहां से देखेंगे देखें इस वक्त जो है ये इसी के जैसे ये 0.236 है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से बता रहा हूँ कि अगर इसका ये लो है तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जैसे मैंने पहले बोला कि ये कम से कम भी 1.30 रुपए जो मैंने आपको बताया था ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन देखें आप मैंने कुछ नहीं किया पहले मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने पहले आपको बताया कि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस एरिया है और फिबोनाची के हिसाब से भी यही है। हाँ अगर ये इसको डिटेस्ट कर लेता है 1.70 रुपए ये वाला एरिया 1.70 रुपए 72 पैसे 75 पैसे तो फिर आने वाले दिनों में आपको ये 2.02 रुपए और 3.34 रुपए फॉर श्योर दिखा देगा इंशाल्लाह। ये वाला एरिया जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूं ये वाला एरिया क्योंकि फिबोनाची का गोल्डन रेशियो का इनवर्स है ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है रिजेक्शन भी मिल सकती है यहाँ पे। और इवन देखें अगर बहुत वॉलेटाइल होता है देखें यहाँ इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है वीक बनी है ठीक है ना, इतनी लंबी वीक भी बनी है 2.80 रुपए तक भी यहाँ पे 2.70 रुपए 80 पैसे तक
भी विग बनी है, लेकिन 2 रुपए 34 पैसे आपको फॉर श्योर दिखा देगा। और अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर वापिस आपको 3 रुपए 39 पैसे और इवन 5 रुपए 8 पैसे ये भी दिखा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है यही एरिया जो है, ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, और ये एक ही एरिया बीच में, ये एक तरह से समझे ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है। यहां से ये अपसाइड मूवमेंट जो है फिर ये 5 रुपए 8 पैसे तक भी दिखा सकता है। अभी तो कोई जैसे फाइनेंशियली इसके कोई अच्छा कोई वो नहीं है, हेल्दी नहीं है ये कोई फाइनेंशियली तौर पे, लेकिन जाहिर सी बात है टेक्निकली तौर पे कोई अगर माल कॉर्नर कर ले तो ये फिर इस पर रैली बनती है। तो अभी फिलहाल जो मैंने आपको लेवल्स बता दिए उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म का है इस वक्त इसमें, शॉर्ट टर्म में भी महीना दो महीना, जैसे महीने में आप देखें ना यहाँ क्या कितनी फ्लक्चुएशन आती है। इसी अभी तो करंट महीना छोड़ दें, लास्ट मंथ में आप देखें ना हाई किया 1 रुपए 11 पैसे का, 90 पैसे का लो किया, 20-30 पैसा इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता इस वक्त इसमें ना। तो उसमें आप ये कि लेक इसमें सबसे बेहतरीन नहीं है कि मार्केट को मत देखें, मार्केट में जो स्टॉक को मत देखें, ओहो यार हैवी 5 लाख का बायर खड़ा हुआ तो आपने जो है उसे 1 पैसा ऊपर लगा दिया, नहीं। ये जो मैंने आपको लेवल बताया इसी लेवल पे आप वेट करें, रोज आप लिमिट लगाएं और बाय की और रोज सेल की लिमिट लगा के रख दें। इसमें मार्केट सौदा नहीं करें कि बायर आ रहे हैं सेलर आ रहे हैं, आपने आपका टारगेट अभी फिलहाल इस स्टॉक के लिए स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अच्छा दूसरे स्टॉक की तरफ आ जाते हैं FDIBL, इसका काफी जिक्र हो रहा है और स्पेशली मुझे फेसबुक में बड़ी आजकल में आ रही है रिक्वेस्ट बहुत आ रही है। तो जाहिर सी बात है मेरे और भी काम होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है तो मैं देख नहीं पाता, जब देखता तो नोटिफिकेशन बहुत आई होती है और स्पेशली पैनी स्टॉक की बहुत आ रही होती है। तो अच्छा अब ये देखें FDIBL फर्स्ट दाउद इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें भी अगर हम देखें तो ये अब अपने ये CPR की तरफ जा रहा है। अब इसने जो मेंटेन किया हुआ है ना 2 रुपए 18 पैसे अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो ये 2 रुपए 18 पैसे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाय बनती है इसकी। और मंथली पे अगर हम देखें वॉल्यूम तो इसमें वॉल्यूम भी इतना ही है, कोई इतने खास नहीं है, 5.96 मिलियन यहाँ बना था। तो ये देखें अगर ये वॉल्यूम अच्छा, सबसे बड़ी देखें बात ये अगर यहाँ रिजेक्शन के बाद वॉल्यूम बना है और इसकी क्लोजिंग ये बहुत बेहतरीन टेक्निकली देखें तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। देखें ये इस रिजेक्शन को इसने जो है ब्रेक कर दिया है। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं रेजिस्टेंस है तो बेचना चाहिए, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है। अब देखें ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ किसी ने बाय किया होगा 1 रुपए 30 पैसे पे, उसको 1 रुपए मिल रहा है बहुत बड़ी बात है ना, उसने तो देखे ना कितने महीने संभाल के रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने संभाल कर, 8 महीने बाद उसकी बारी आई है 1 रुपए मिल रहा है, वो तो निकलेगा ना, कहेगा यार मैंने 1 रुपए 30 पैसे का लिया हुआ, वो तो फिर 2 रुपए में भी निकल गया होगा। तो अब यहाँ पे अब ये 2 रुपए 50 पैसे तक चला गया है तो अच्छा खासा 1 रुपए 20 पैसे अच्छा खासा गेन मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक को जरा फोकस करना चाहिए, दाऊद गुरु बहुत अच्छा है, इनका BRR वॉल्ट है, बहुत से दाऊद इक्विटी है और बहुत से मतलब है, मैं आपको फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बाद में फिर इसका डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये मैं प्रिफर करता हूँ कि इसमें अगर आपने पेनी स्टॉक में कोई स्टॉक चूज करना है तो इसको आप ले सकते हैं, ग्रुप बहुत अच्छा है असल में दाऊद ग्रुप, तो इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें गेन भी बहुत अच्छा है। देखें इसमें फ्लक्चुएशन बहुत, जैसे वो देखा था ना साइड वे चल रहा था, एक्यूमुलेशन चल रही थी तो उसमें चांस है ऑब्वियसली 1 रुपए भी मिलने का चांस है आगे जाके, एक्यूमुलेट हो रहा है जैसा हम नेटवर्क हो रहा था, लेकिन कितना चलेगा ये पता नहीं, लेकिन ये अभी ट्रेंडिंग में जितना ट्रेंडिंग स्टॉक है ना उसमें आप काम कर रहे हैं कि फ्लक्चुएशन बहुत आ रही है। ये देखें ना कितनी फ्लक्चुएशन आई, अभी इसका लो था 1 रुपए 30 पैसे और इसने फिर हाई किया 2 रुपए 58 पैसे, अच्छा खासा फ्लक्चुएशन है। तो इन स्टॉक में आप जो है अगर जिनको शॉर्ट टर्म करना है तो इन स्टॉक में आप जो है इन्वेस्टमेंट करें फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फॉर डे ट्रेडिंग। और इसमें अभी देखें इसमें अभी कोई फिलहाल लॉस नहीं, उसका तो अभी 71 पैसे लॉस है, इसका भी इसमें कोई लॉस नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट है, पे आउट कुछ भी नहीं होता इसका। तो इस वक्त अगर इसको भी हम टेक्निकली देखें इधर, इसको थोड़ा सा पहले तो हम यहाँ ये देख लें, इस वक्त जो है ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है इनिशियली, ये वाला एरिया जो है ठीक है ना, ये बुलिश कैंडल इसके मैंने नेक लाइन लिया है,
ये नेकलाइन सपोर्ट है 1 रुपए 70 पैसे, बेहतरीन सपोर्ट है। अगर आपको यह स्टॉक मिलता है तो यहाँ ऑब्वियसली बाय करना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए 1 रुपए 37 पैसे। तो इसकी सपोर्ट एरिया ये ले लेते हैं, ठीक है ना, बेहतरीन है, ठीक है ना। ये मैंने एरिया लिया है, देखें ये वाला एरिया 1 रुपए 31 पैसे 35 पैसे, मतलब यहाँ देखें यहाँ पे क्लोजिंग इसी के ऊपर आई है, विक बनी है नीचे 1 रुपए 3 पैसे पे, यहाँ पे देखें क्लोजिंग आई, लेकिन एक डोजी ने डोजी आया। देखें मैं आपको बताता हूँ, अपर साइड पे हमेशा ये होता है, डिच कर जाती है मार्केट या स्टॉक। अब ये देखें इसने इसको ब्रेक करके क्लोज किया, यहाँ पर भी ऐसे किया था, ब्रेक करके क्लोज किया, दो डोजी बने, यहाँ पर इसको निगेट किया कैंडल ने, दूसरी कैंडल ने इसको सपोर्ट किया, फिर आगे ये तो यहाँ देखे ट्रेंडिंग कितना चलता है। ये इस स्टॉक में मेरे हिसाब से तो SCSC से बेहतर है कि इस स्टॉक में काम करें। माय एडवाइस फॉर दोज जो शॉर्ट टर्म, जो ज्यादा जिनमें पेशेंस नहीं है, तो वो इस छोटे पैनी स्टॉक में इसको चूज कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अपर साइड पे अभी इस वक्त जो है 2.67, ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है इसके ऊपर जो है, अगर ये क्लोज होता है अगेन, कोई बुलिश कैंडल बनती है, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे कोई कैंडल बनती है इस एरिया के ऊपर, तो ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है। इसका भी हम देख लेते हैं फिबोनाची के हिसाब से, अच्छा फिबो देखे ये, अब ये आ गया है 0.3, ये अच्छा स्टॉक है, देखे ना इसने इसको, देखो इसको क्रॉस कर गया, ये 2 रुपए को क्रॉस कर गया है, 2 रुपए 1 रुपए 70 पैसे, बहुत अच्छा एरिया है ये 2 रुपए से लेके यहाँ पर भी एक में, ये फिबोनाची के हिसाब से भी आपको ये सपोर्ट एरिया बता देता हूँ, ये वाला एरिया बहुत अच्छा एरिया, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, ठीक है, 2 रुपए 1 पैसे से लेके 1 रुपए 70 पैसे 75 पैसे। अब ये 3.82 रिटेस्ट कर चुका है, तो आने वाले दिनों में ये एरिया 3 रुपए 22 पैसे फॉर श्योर, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इसको रिटेस्ट जरूर करेगा। तो इसका टारगेट आप जहन में रखें, ये वाला नेक्स्ट टारगेट जो है ये वाला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसकी नेक लाइन ले लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस है 3 रुपए 72 पैसे और 1 रुपए 42 पैसे, 4 रुपए 42 पैसे, ये आप इसको आने वाले दिनों में देख सकते हैं, ठीक है। 4 रुपए 42 पैसे के अगर ऊपर जाता है तो 6 रुपए 38 पैसे भी आपको दिखा सकता है ये, फिर ये एक्सपोज हो जाएगा 1.618 फिबोनाची का गोल्डन रेशियो, ये इसका इन्वर्स है, तो ये इसको दिखाएगा जरूर, क्योंकि जब इसने 3.382 को रीटेस्ट कर लिया है तो नीचे की तरफ बाइंग बनती है, इसमें आप बाय करें। और इसका टारगेट जो है आप 3 रुपए 22 पैसे 72 पैसे और 4 रुपए 42 पैसे आप रख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आते हैं ICIBL, इसकी भी बड़ी खबरें आ रही हैं, ये रूमर पे एक्चुअली चलता है ICIBL, ये सब जितने भी अभी तक जो मैंने जितनी कंपनीज का एनालिसिस किया है वो सब इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट करती है इक्विटीज में, एसेट्स में, कुछ के ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ के वॉल्ट्स हैं, 2-3 चीजें उसमें। अभी तक तो मुझे FDIBL फर्स्ट दाउद इन्वेस्टमेंट बैंक अच्छा लगता है, इन एज कम्पेयर टू दो टू स्टॉक्स जो अभी जिस कंपेयर कर रहा हूँ, और FCFC। ICIBL देखिए भी तकरीबन सेम, अभी इतनी ज्यादा इसमें ट्रेंडिंग नहीं है, ये एक्युमुलेशन ही चल रही है और फ्लक्चुएशन भी इतनी ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम, ये वाला सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा है, ये शायद मैंने किसी को बताया भी था, आई थिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, किसी ने पूछा था मुझे ICIBL याद आ रहा है, तो मैंने बताया था 0.91 या 0.95 बताया था मैंने, और 1 रुपए ये अच्छा सपोर्ट एरिया। तो देखिए यहाँ सपोर्ट लिया है, अभी से 1 रुपए 34 अच्छा गेन मिल गया, ठीक है, आपको 30-40 पैसे मिल गए 2-3 महीने के अंदर, यहाँ तक ये अच्छा। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा और भी टेक्निकल मैं आपको बता दूँ, इसका लोअर बैंड जो है 1 रुपए 8 पैसे है, बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ बाय कर सकते हैं। और इस वक्त अभी क्लोजिंग जो हुई है 1 रुपए 23 पैसे हुई है, 1 रुपए 34 पैसे जो है इसने इस मंथ में 1 रुपए 32 पैसे का हाई किया, 34 पैसे अपर बैंड है इसका, इसके ऊपर क्लोज करता है अगेन तो फिर ये आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। यहाँ पर भी एक मैं ये कैंडल बना देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर जाता है तो ये वाला एरिया जो है ये इसको रिटेस्ट कर सकता है। ये वाला एरिया ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हो तो ये टारगेट हो सकता है अपर साइड पे 1 रुपए 86 पैसे।
अच्छा, इसका भी हम टेक्निकली थोड़ा सा इसको ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये हो सकता है यहाँ से वापस भी आ जाए ब्रेक करके, रिजेक्शन अगर यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन है इसको, मैं थोड़ा सा ये इसको ये रिजेक्शन वाले एरिया से यहाँ से निकाल के यहाँ ले आता हूँ। देखें यहाँ पे रिजेक्शन ही आई है अभी तक इस एरिया पे, 1 रुपए 50 पैसे तक भी, लेकिन इसमें भी अच्छी मूवमेंट आई है। अच्छा, इसका भी बेसिकली काम जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी में, इसमें एक और भी है, आप इसको देखेंगे किसी वेबसाइट जाके तो फॉरेक्स में भी ये काम करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी। तो इसी फॉरेक्स के हवाले से मार्केट में ऑफिशियली तो कोई न्यूज नहीं आई थी, लेकिन र्यूमर थी कि यूएई के साथ शायद उसका कोई एग्रीमेंट हो रहा है फॉर आई थिंक फॉर स्पेशली फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो वो शायद इसके बाद आई थिंक शायद 2019 या ऐसी कुछ था, 2020 में फिर ये कोरोना का पेंडेमिक का हो गया था तो ये पोस्टपोन हो गया था, लेकिन अभी फिर ये न्यूज गर्दिश कर रही है आईसीएबीएल के हवाले से नहीं, क्रिप्टो के हवाले से। अभी जितने भी प्लेटफॉर्म है सब प्राइवेटली ऑपरेट हो रहे हैं, और ये एक तरह से देखें तो ये करेंसी की लीगलाइजेशन भी इसीलिए कॉन्स्पिरेसी का शिकार है कि कोई कोई इसको स्टेट कोई ओन नहीं कर रहा है, कोई भी स्टेट पर्सनली तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा इसमें कैपिटलाइजेशन, सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन आपका क्रिप्टो में है, स्पेशली बिटकॉइन में। तो अभी लेटेस्ट न्यूज आई कि यूएई ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, लाइकली टू लॉन्च होने वाला है, M2 के हवाले से बता रहा हूँ। M2 एक प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक प्लेट तो हो सकता है कि वो अगर प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाता है फिर इसके बाद जो है वो आईसीआईबीएल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में आईसीआईबीएल जो है वो सर्विसेज देता है, तो हो सकता है अगर इसके साथ कोई एग्रीमेंट हो जाए तो फिर स्टॉक ये रैली बनाएगा ठीक ठाक। अब कहाँ तक बनाएगा चले हम इसको फिर हम टेक्निकली देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा, कौन कौन सी दीवारें फलांगते हुए जाएगा। सबसे पहले वो देखें ये 2 दफा इस एरिया को रिटेस्ट किया, ये वाला एरिया 3 रुपए 97, 4 रुपए के करीब, और ये फिर ये स्टॉक इसने लो किया ये वाला, इसको ले लेते चले ये वाला एरिया। अच्छा, अभी फिलहाल देखें तो ये 1 रुपए 60 पैसे के तक भी नहीं आया है, ये अगर ये वाला एरिया रिटेस्ट करता है 2 रुपए तो बेहतरीन है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर जाएगा और ये एरिया भी रिटेस्ट कर लेगा 2 रुपए 8 पैसे। अगर ये 2 रुपए 8 पैसे रिटेस्ट करता है ये वाला एरिया तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, फिर आप लोअर साइड पे बाय करें, जैसे ये 1 रुपए 53 पैसे, फिर इसका ये 1 रुपए 63 पैसे, 60 पैसे या 70 पैसे, ये यहाँ पर आप बाय करें तो ये आपको नेक्स्ट जो इसका लेवल होगा रीटेस्ट का फॉर श्योर वो 2 रुपए 44 पैसे होगा, और 2 रुपए 80 पैसे भी आपको दिखा सकता है ये वाला एरिया, ये आपके टारगेट्स होंगे। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ टारगेट प्राइस, ये आपका टारगेट प्राइस होगा। ₹2.80 का ये टारगेट प्राइस होगा, ₹2.44 का टारगेट प्राइस होगा, तो ये अच्छे टारगेट प्राइस होंगे इसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं चौथे स्टॉक की तरफ, पेस पाकिस्तान। पेस का भी देखिए अभी तक तो फिलहाल यही चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मंथली पे श्रिंक हो रहा है ये, ठीक है ना, तो मंथली पे श्रिंक हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं जहां से रिजेक्शन आई है, पहले तो हम इसको देख लेंगे प्राइस सेक्शन के हिसाब से, ये वाला रिजेक्शन एरिया, इसकी नेक लाइन ले ली है ये वाले स्टॉक की, ये वाला एरिया जो है ना बड़ा क्रूशल एरिया है, ठीक है ना, ये इसकी नेक लाइन भी जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, बल्कि हम एक ये एरिया भी ले लें, यहाँ पे कई दफा इसने सपोर्ट लिया है ये वाला एरिया, ये 2 रुपए 46 पैसे लेके 2 रुपए 72 पैसे तक, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो ये हम आने वाले दिनों में रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अभी 2 रुपए 22 पैसे रिटेस्ट किया है, तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में इसको रिटेस्ट करें, लेकिन वहां से हैवी रिजेक्शन भी देख सकते हैं, लेकिन 2 रुपए 72 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मैं आपको पहले ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता दूं, ये देखें अभी फिलहाल जो है ये रिजेक्शन एरिया है, और यहां पर जो है वही अगेन एटलीस्ट इसके ऊपर 2 रुपए 60 पैसे के ऊपर बुलिश कैंडल बनना बहुत जरूरी, इसको भी मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये एरिया पे कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक
ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में ये एरिया 3 रुपए 40 पैसे ये रिटेस्ट कर सकता है, 3 रुपए 40 पैसा यह वाला एरिया। और अगर हम फिबोनाची की मदद से अगर हम देखें, इसको भी हम यहाँ पे ये प्लॉट करके देखते हैं, बहुत बड़ी रिजेक्शन आई थी ये, और अगर ये रिजेक्शन के ऊपर इसने क्रॉस कर दिया तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। चले इसको हम बफारा लबी ले लेते हैं, 1 रुपए 62 पैसे का तकरीबन समझिए इसने रिटेस्ट किया, लो था, लेकिन अभी भी देखें ये 2-3 रुपए 22 पैसे तक नहीं आया है, तो दैट मीन्स के भी मंथली पे 3 रुपए 22 पैसे पे मुश्किल लग रहा है। अगर ये 3 रुपए 22 पैसे पे आता है तो भी रिजेक्शन ही विटनेस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अनलेस और अंटिल इसके ऊपर परफॉर्म नहीं। देखिए ये 4 रुपए 21 पैसे का जिस दिन इसने एरिया रिटेस्ट कर लिया, ये वाला एरिया, तो ये फिर आप डाउन साइड पे इसको बाय करें, ठीक है, और फिर आपको ये अगेन फॉर श्योर 5 रुपए 81 पैसे ये वाला स्टॉक दिखा देगा, ये आपका जो है टारगेट प्राइस होगा। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट प्राइस, तो इसका भी वही है जैसे आपको मैंने बताया था, ये इसकी सब्सिडियरी है, एफसीएफसी की सब्सिडियरी है, पेस पाकिस्तान, इस पेस पाकिस्तान की इसमें इन्वेस्ट। अच्छा, इसमें एक और भी खबर चल रही है, मैं आपको बता दूं, पेस बराका, जिसकी मैंने बताया ना एसेट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, तो पेस बराका की इन्वेस्टमेंट एफसीएफसी ने की थी, तो इनके मेजोरिटी शेयर होल्डर ने कहा है कि आप इससे इन्वेस्टमेंट जो है डाइवेस्टमेंट करते हैं इसकी ना। अब डाइवेस्टमेंट जाहिर सी बात है वो अपनी सब्सिडियरी को ही देगा वो, तो उसने पेस पाकिस्तान पेस भर रखा था, तो पेस वालों को बोला है कि अब ये डाइवेस्टमेंट हो रही है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। अब पेस के पास आप देखें यहाँ पे ईयरली में आप देखें तो -5 रुपीज जो है ये लॉस है इसके पास। मैंने बताया ना इन कंपनी के पास MDTL इन सबके पास कैश का इशू है, टेक्निकली परफॉर्म करते हैं, फंडामेंटली कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब वीक है, तो अब ये जाहिर सी बात है इनको इसके पास पैसे तो है ही नहीं कि वो बाय करे, तो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि ये राइट देगा। अब राइट देगा इसका जो है प्राइस क्या होगा, हो सकता है, मुझे तो लगता है कि अगर इसको तो या फिर रैली बनेगी इसकी, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए तक तो जाना मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है कि ये यहीं कहीं आएगा, यहाँ जो मैंने आपको बताया जिस तरह टेक्निकली 5 रुपए 6 रुपए तक आएगा, यहाँ से फिर शायद ये हो सकता है डिस्काउंट में 5 रुपए में ये राइट दे, क्योंकि तो राइट देगा तो ये पेस भरा का बाय कर सकेगा, अदरवाइज इसके पास पैसे तो है नहीं। तो बहरहाल ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की जो मेरी नॉलेज में थी वो मैंने शेयर किया, बाकी अब अपनी रिसर्च आप करें। मैं जैसे चैनल के आखिर में भी टाइटल पे लिखता हूँ DYOR, जिसका मतलब है डू योर ओन रिसर्च, तो जितनी मेरी रिसर्च थी मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।